अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल लगे, पीछे लगे रहो, उसमें क्या गया? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर नंदी का जो पांव होता है नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा दो या तीन शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व के पर विश्वास के अनुकूल हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है, फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो खूब अच्छी पढ़ाई करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो दिल से पढ़ो, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शहद उस पर भरोसा भी करिए।